फ्रेंड्स, टुडेज वर्स इज टेकन फ्रॉम साम्स 122 वर्स 7। दोस्तों, आज का प्रतिज्ञा वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 122 वचन 7। पीस बी विद इन योर वॉल्स एंड सिक्योरिटी विद इन योर टावर्स। तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। इस तरह से ये कहता है, The Lord promises peace in your homes, in your families, wherever you go, you're going to be surrounded with the peace of God. प्रभु आपके घर, आपका परिवार और जहां कहीं भी आप जाते हैं, आप शांति से घिरे रहेंगे, इसकी प्रतिज्ञा करता है। Along with peace, the Lord is going to provide security also. शांति के साथ साथ प्रभु आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा। Today, many of you might be worried about your children. आज शायद आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित होंगे। You might think, oh, they are traveling so far away from me, or I am living so far away from them. Will they be safe? आप सोच रहे होंगे कि वो मुझसे दूर जा रहे हैं या मैं उनसे दूर रहती हूँ, क्या वे सुरक्षित होंगे? इस तरह की सोच आपके मन में आती होगी। This is so natural because even to this very day, my mother tells about the same thing. ये बहुत स्वाभाविक बात है, आज भी मेरी माँ मुझसे यही कहती है, मेरी परवाह करती है। I tell my mom, Mom, I'm married, I have a child, why are you so scared about my security? मैं अपनी माँ से कहती हूँ, माँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है, आप मेरी सुरक्षा के लिए इतनी चिंता ना करें। It is so natural for us to be worried about our children. हमारे लिए ये स्वाभाविक बात है कि हम अपने बच्चों के लिए चिंता करें। But today the Lord promises that He is provide peace for you and for your children. वो आपको और आपके बच्चों को शांति प्रदान करेगा। Let's read the verse from Psalms 138 verse 7. आइए भजन संहिता अध्याय 138 वचन 7 पढ़ते हैं। Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। With your right hand, you save me. अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। Yes, walking in this world, we are walking in the midst of troubles. हाँ, जब हम इस संसार में चलते हैं, तो हम परेशानियों में से चलते हैं। But we have a God who is greater than this world. लेकिन हमारा परमेश्वर इस संसार से भी बड़ा है। He knows everything that is happening around us. हमारे आसपास जो भी हो रहा है, वो जानता है। And He will provide the peace and security. वो अपनी शांति और सुरक्षा को हमें प्रदान करेगा। I remember speaking to a community who lived by the side of the road. मुझे याद है सड़क के किनारे रहने वाले लोगों से जब मैं बातचीत कर रही थी। And I asked them, how do you provide security for your wives and for your girls? मैंने उनसे बात की और ये पूछा कि आप अपनी पत्नियों को और अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षा देते हैं? And they told me every hour or every few hours they take turns to stay up in the night. उन्होंने कहा कि हर रात को जागकर हम बारी बारी से एक एक घंटा पहरा दिया करते हैं। So that the women and the children will be protected. ताकि स्त्रियां और बच्चे सुरक्षित रहें। They will try their best not to sleep so that their wives and their children will be safe. वो कोशिश करते हैं कि वे ना सोएं ताकि उनकी पत्नियां और उनकी जो बेटियां सुरक्षित रहें। But despite all their efforts, children still get stolen. इतना सब करने के बावजूद भी बच्चे चोरी हो जाते हैं, वो चुराए जाते हैं। Yes, let us depend on God every single day for the security of our children. हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए आइए हम हर दिन प्रभु पर आधारित रहें। No matter what we do, no matter what steps we take, the Lord promises that He will protect us and our children today. चाहे हम जो कुछ भी करें या कोई भी निर्णय लें, प्रभु ये प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारी प्रतिदिन रक्षा करेगा, हमारी मदद करेगा। Let's pray for this peace and security in our families today. आइए हमारे परिवार में शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, today I pray for your hand to come upon all the people who are watching this program. प्रभु, प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक के ऊपर अपना हाथ रख। Lord, they might be living far away from their children. प्रभु, शायद हो सकता है ये अपने बच्चों से दूर रहते हों। Children must have left their parents to go and study in a different place. शायद हो सकता है कि बच्चे अपने पढ़ाई के लिए माता पिता से दूर रहते होंगे। Lord, I pray for your protection to come upon each one of them. प्रभु, प्रार्थना करती हूँ तेरी सुरक्षा इनमें से हर एक के ऊपर आ जाए। Lord, there may be parents who are living all alone, who are aged and not able to take care of themselves. ऐसे बूढ़े माँ बाप के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले रहते होंगे और अपनी देखभाल नहीं कर पाते होंगे। Lord, I pray for your protection to come upon both of them. प्रार्थना करती हूँ कि तेरी सुरक्षा उन दोनों पर आ जाए। Upon the husband and the wife.
पति के ऊपर भी और पत्नी के ऊपर भी। Lord, let your hand of protection, let your peace fill their homes today. प्रभु तेरी सुरक्षा का हाथ, तेरी शांति भी इनके घर को भर दे। Let them never feel alone, Father. ये कभी अकेला ना महसूस करें। Let them not feel scared any second of the day. दिन के किसी भी पल ये डरा हुआ महसूस न करें। Let your presence always be with them. तेरी उपस्थिति हमेशा इनके साथ रहे। Lord, thank you for protecting our children. हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु के नाम में मांगती हूँ ये प्रार्थना। Amen. So my dear friends, the Lord promises to give you peace and protection over your families. प्यारे दोस्तों, प्रभु आपके घर में शांति और सुरक्षा देने का वादा करता है।